सबका आदाब। आज चारमीनार डिवीजन पुलिस ने एक किडनैपिंग केस को सॉल्व किया। ये 6 साल का बच्चे का किडनैप है, शिव कुमार बोल के बच्चा है, उनका किडनैपिंग हुआ था। उसको चारमीनार पुलिस, पर्टिकुलरली जो चारमीनार इंस्पेक्टर और सीनियर आलम इंस्पेक्टर, उनका टीम बहुत मेहनत करके इनको पकड़े थे। जो अक्यूज, इसमें 4 अक्यूज अभी तक आइडेंटिफाई हुए, उसमें 3 को गिरफ्तार किया। उसमें उनका नाम है उर्स वेंकन्ना, जो आलिया का रहने वाला है, उनका वाइफ उर्स कविता, दर्शनम नागराजू और कालम्मा, ये 4 लोग इसमें किडनैपिंग पे शामिल थे। फैक्ट्स पे चलते तो 24 का तारीख हम लोग को एक कंप्लेंट आया हुसैन आलम पीएस को रात को कि वैसे बच्चे का किडनैप हुआ, 6 साल के बच्चे का किडनैप हुआ। एंड जब डिटेल्स पे गए तो ये पता चला कि जो कंप्लेनेंट है गीता बोल के है, जो 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट है अभी भी, और गवर्नमेंट मेटर्निटी हॉस्पिटल पे एडमिट है ट्रीटमेंट के लिए। उनका बच्चा बाहर खेलने के लिए गए और वापस नहीं आया, और वो 23 का शाम की बात थी, उसके बाद बच्चा लापता था। तो हम लोग को लेट नाइट कंप्लेंट दिया और हम लोग उसको फॉलोअप किया, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह हम लोग वेरीफाई करते हुए चेक किया, तो हम लोग को पता चला कि ये उर्सु वेंकन्ना कविता और जो नागराजो कालम्मा जो अक्यूज थे उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारी सीसीटीवी फुटेजेस हम फॉलो करते गए, तो फाइनली हम लोग हयात नगर के आसपास उन लोग को, पैदम्बरपेट के आसपास उन लोग को घर है पता चला हम लोग को। वहाँ पर भी 4 अलग अलग टीम्स फॉर्म करके एसीबी का डायरेक्ट सुपरविजन पे और इंस्पेक्टर सभी लोग उनके टीम फॉलो बना के और सीसीटीवी फुटेजेस को जो फोटोज है उसको लेके पूरा एरिया पे हम लोग कर रहे थे कंटिन्यूसली। तो आज सुबह बस स्टैंड, हयात नगर बस स्टैंड पे इन लोग को हम लोग गिरफ्तार किया, उसके साथ साथ बच्चे को भी वापस उनका फैमिली को पहुँचाया। पूछताछ करने पर यह पता चला कि जो अक्यूज देवन उर्स वेंकन्ना को कोई ये लड़का नहीं हुआ, उनके उनको 3 बेटियां है। तो उनको ये A3 दर्शन नागराजू से बात कर रहे थे, ये भी ये उनके साथ काम करते थे। तो नागराजू ने बोला कि 1 लाख रुपए देंगे तो एक बच्चे को लेके आऊँगा बोल के बात हुई, 60,000 पैसा भी दिया ये वेंकन्ना। पैसा देने पे ये लोग पूरा प्लान बनाया कि मेटर्निटी हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आते जहाँ उन लोग का डिलीवरी होते, तो उसकी प्लान के हिसाब से 23 तारीख को यहाँ पे आए थे मेटर्निटी हॉस्पिटल पे, और यहाँ पे जो शिव कुमार बच्चा, छोटा 6 साल का बच्चा जो खेल रहा था, उनको आइडेंटिफाई करके उनको किडनैप किया गया। और देन उन लोग को हम लोग फॉलो करते दिना दिन, सारी सीसी कैमराज या इसमें कोई किस्म का कॉन्टैक्ट नहीं था, तो सीसी कैमराज और टावर डम एनालिसिस, सीडीआर एनालिसिस, बहुत सारी टेक्निकली वेरीफाई किया। उसके बाद हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस से हम मेहनत करके इन लोग को आइडेंटिफाई किया पैदम्बरपेट पे रहने वाले बोल के। एंड थोड़ा इन्फॉर्मेशन था, आज हयात नगर साइड आ रहे तो हम लोग वहाँ बस स्टैंड पे सभी टीम वगैरह थे, तो सुबह 9 बजे उन लोग को पकड़ा गया। तो इस पूरा ऑपरेशन को जो सक्सेस करने में, कामयाबी हासिल करने पे, ये सबसे जो सभी लोग ACP चारमीनार उनका सुपरविजन पे जो पूरा ऑपरेशन हुआ, साथ साथ इंस्पेक्टर हुसैन आलम सुरेंद्र, इंस्पेक्टर चारमीनार चंद्रशेखर, साथ साथ उन लोग का डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बालस्वामी और स्वामी थे, और पीसी जो है SIs थे, नवीन SIs नरसिम्हा, श्रीनिवासाचारी PC, हुसैन आलमकर जाहिर, प्रेम कुमार चारमीनार का PC, और टेक्निकल टीम सारी मेहनत करके उनको पकड़ा था, पकड़ने में ये सारी मेहनत किया था। और साथ साथ हम आपके थ्रू सभी लोग को रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको बच्चे नहीं है तो अडॉप्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक तरीका आपके लिए एक वेबसाइट पे एनरोल करके आपको रोस्टर सिस्टम के हिसाब से आपको बच्चे अडॉप्शन के लिए मिल जाते हैं। वो अच्छा है इनकेस आप लोग कोई क्रिमिनल एक्टिविटी लेके कोई बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता है अभी रिसेंटली हम बहादुरपुर में एक केस वैसे ही सॉल्व किया, उन लोगों को गारंटी जेल भेजा जाएगा जो वैसे कोशिश कर रहे हैं। तो अब सभी लोगों का रिक्वेस्ट है, जो जिसको भी बच्चा नहीं है, अब प्लीज़ गवर्नमेंट का जो रूल्स दिया, गवर्नमेंट का जो तरीका दिया, उसको फॉलो करने का हमारा रिक्वेस्ट है। थैंक यू। क्या इन्होंने अब अब्सकॉन्डिंग जो है, अब प्लीज़ इनका